मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऋषि मुनि सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोग ऋषि मुनि सुनकर यही सोच पाते हैं कि वे किसी जमाने में जंगलों में भटकते थे, तपस्या करते थे और शिक्षा देते थे। भारत की इस पवित्र भूमि में कई ऐसे ऋषि मुनियों का जन्म हुआ है जो आज के वैज्ञानिकों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। मैथमेटिक्स, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एटॉमिक थ्योरी, ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जो बात वे कई हजार साल पहले बता चुके हैं, उन बातों पर आज के साइंटिस्ट रिसर्च करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। शारीरिक संरचना और इंटरनल वेलबींग के मामले में भारत प्राचीन समय से लेकर आज तक हरदम सबसे आगे रहा है। ऋषि मुनि को इंग्लिश के किसी वर्ड से कंपेयर करें तो कोई वर्ड नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट वर्ड उसके करीब तो है, फिर भी वह ऋषि मुनि वर्ड को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ महान ऋषि मुनियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे नए वीडियो सीरीज ऋषिस भारत के बुनियादी गौरव में। उम्मीद है आपको भी यह जानकर अपने भारतीय होने पर और भी ज्यादा गर्व होगा। हेलो दोस्तों, जॉन डाल्टन जो कि एक अंग्रेजी केमिस्ट और फिजिसिस्ट हैं, आज के समय में उन्हें परमाणु सिद्धांत के विकास का श्रेय दिया जाता है, जबकि परमाणुओं का सिद्धांत वास्तव में एक भारतीय ऋषि और दार्शनिक आचार्य कणाद द्वारा डाल्टन से लगभग 2500 साल पहले ही बता दिया गया था। आचार्य कणाद का जन्म गुजरात में स्थित द्वारिका के पास के प्रभास क्षेत्र में 600 BC में हुआ था और उनका असली नाम कश्यप था। कश्यप प्रयाग की तीर्थ यात्रा पर थे जब उन्होंने हजारों तीर्थयात्रियों के फूलों और चावल के दानों को कूड़े में पड़े देखा, जिसे उन्होंने मंदिर में चढ़ाया था। कश्यप उन कणों से प्रभावित होकर उन्हें इकट्ठा करने लगे। एक अजनबी को ऐसा करते देख उनके चारों ओर भीड़ लग गई। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम इन्हें क्यों इकट्ठा कर रहे हो, जिसे एक भिखारी भी छूना पसंद नहीं करता। तब कश्यप ने कहा कि भले ही अनाज का एक दाना अपने में कोई काम का ना हो, पर ऐसे ही 100 दानों को मिलाकर एक व्यक्ति का भोजन बनता है और ऐसे ही कई भोजनों से एक परिवार का। इसलिए भोजन का एक दाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि पूरा भोजन। फिर वे कणाद के नाम से जाने गए, क्योंकि संस्कृत में कण का अर्थ होता है सबसे छोटा पार्टिकल। कणाद ने इस अनदेखे दुनिया में और बारीकी से घुसने की कोशिश की और स्मॉलेस्ट पार्टिकल के कॉन्सेप्ट पे विचार किया। कणाद अपने आइडियाज को लिखने लगे और दूसरे लोगों को पढ़ाने लगे। एक बार की बात है जब कणाद भोजन को अपने हाथ में लिए चल रहे थे और वे उनके टुकड़े करने लगे। एक समय के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उसके और टुकड़े कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इस बात से उन्हें पता चला कि एक निश्चित समय के बाद किसी पार्टिकल को और विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने उस इंडिविजिबल मैटर को परमाणु या अणु का नाम दिया। कणाद ने बताया कि इस इंडिविजिबल मैटर को किसी भी इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता या उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमाणुओं के अंदर एक इच्छा शक्ति होती है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखती है, जिससे पदार्थ बनता है। कणाद ने यह भी बताया कि अलग अलग परमाणुओं का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह के पदार्थ बनाता है। उन्होंने यह तक बता दिया था कि हीट जैसे अन्य फैक्टर की उपस्थिति में रासायनिक परिवर्तन करके परमाणुओं को अलग अलग तरीके से जोड़ा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने फलों का पकना, मिट्टी के बर्तन का काला होना को बताया था। आचार्य कणाद ने वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना की, जहां उन्होंने परमाणु और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में अपने विचारों को लोगों को सिखाया। उन्होंने अपने रिसर्च व शिक्षक दर्शन पर एक पुस्तक लिखी और वे फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी के रूप में जाने गए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने सुझाव हमें दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे अगले वीडियो में हम आपको एक ऐसे ऋषि के बारे में बताएंगे जिन्होंने आज से सैकड़ों वर्ष पहले ही प्लास्टिक सर्जरी को मुमकिन कर दिखाया था। तो इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।